हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगाम। कल हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था कलर्स ऑफ रेनबो रीडिंग करके। आज हम इसकी ग्लॉसरी और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ग्लॉसरी: अर्निंग ए कैनवस स्पॉटेड बाय ए फ्रेम टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वेदर। बेयरली, ऑलमोस्ट नॉट। Oblivious, not aware of something. Splendiferous, splendid, grand in appearance. Mushings, thoughts, convolutions, twists, here, troubles, difficulties. Hues, colors. Tiff, a slight argument, brewing, about to happen. Cherish, to love, care and protect good. Radiance, used to express happiness that someone or something unwanted has gone. Hater, excessive pride. Every, not right. Well-to-do, rich, prosperous. Remonstrate, to argue in protest. Fortification, defense. Breach, to break through. Incarnation, human form. Work with text. Answer the following questions. सवालों के जवाब दीजिए. Question number first. What did the narrator observe when he looked out? Narrator ने क्या observe किया जब वो बाहर देख रहा था? Answer है, when the narrator looked out, he observed a drop of water falling down on the chili plant and the pleasant beauty of nature after rainfall. Narrator जब बाहर देख रहा था तो उसने observe किया drop of water, जो पानी के कतरे, बारिश के कतरे चिली प्लांट पर, मिर्च के पौधों पर गिर रहे थे, और जो खूबसूरती थी नेचर की बारिश के बाद, वो देख रहा था नरेटर। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई वाज द नरेटर अनेबल टू पे अटेंशन टू व्हाट हिज डॉटर वाज सेइंग। नरेटर क्यों अनेबल था अपनी बेटी की तरफ अटेंशन देने के लिए, तवज्जो देने के लिए, जब वो कुछ कह रही थी? आंसर है, द नरेटर वाज अनेबल टू पे अटेंशन टू हिज डॉटर। नरेटर अनेबल था, अटेंशन नहीं दे पा रहा था अपनी बेटी की बातों की तरफ, क्योंकि वो अपने बिकॉज ऑल हिज अटेंशन वाज सेंटर्ड ऑन हिज ओन थॉट्स, वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। एंड द ब्यूटीज ऑफ नेचर, एक तो वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था और दूसरा नेचर की खूबसूरती में खो गया था। ही वॉज लॉस्ट इन द थॉट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज, तो वो अपनी बचपन की यादों में खोया हुआ था, इसलिए वो अपनी बेटी की बातों की तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डिड द नरेटर हैव अ टिफ विद हिज वाइफ। नरेटर का लड़ाई झगड़ा अपनी वाइफ के साथ क्यों हो रहा था, क्यों आर्ग्यूमेंट हो रहा था? इसका आंसर है, द टिफ और आर्ग्यूमेंट और क्वार, लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट बिटवीन द नरेटर एंड हिज वाइफ, उस नरेटर में और उसकी वाइफ में, ड्यू वाज द ड्यू देयर मिसअंडरस्टैंडिंग, उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग थी, मेनली ऑफ द इंक्रीजिंग एक्सपेंसिस, ग्रोइंग किड्स एंड फीडिंग दैम ऑन द सेम लिमिटेड सैलरी। उनके बच्चे बढ़ रहे थे, उनके खर्चे बढ़ रहे थे, उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था लिमिटेड सैलरी में। दिस पॉवर्टी क्रिएटेड द टेंशन बिटवीन द टू दैट रिजल्टेड अ स्लाइट कॉल बिटवीन दैम। तो गरीबी की वजह से उन दोनों के बीच में, पैसे की तंगी की वजह से उन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ रही थी, इस वजह से वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डिड द नरेटर फाइंड व्हेन ही रिटर्न्ड होम लेट एट नाइट। तो नरेटर ने क्या पाया जब वो रात को लेट
घर वापस आया? आंसर है व्हेन द नरेटर रिटर्न्ड होम लेट एट नाइट, जब नरेटर रात को देर से घर वापस आया, ही सॉ द किड्स हैड गॉन टू देयर बेड्स, तो नरेटर ने पाया कि उसके बच्चे सो चुके थे, हिज वाइफ वाज वेटिंग फॉर हिम फॉर डिनर, उसकी वाइफ उसकी बीवी किसका इंतज़ार कर रही थी, रात के खाने का इंतज़ार कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द नरेटर नॉट हैव एन एपिटाइट, इसका आंसर है द नरेटर डिड नॉट हैव एन एपिटाइट बिकॉज ही हैड ऑलरेडी हैड हिज मील आउटसाइड, तो नरेटर ने अपना खाना बाहर से ही खा के आया था, तो इसलिए उसको भूख नहीं थी। थैंक यू, आज हम इतना ही करेंगे, तो कल बाकी का चैप्टर करेंगे।